करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट करने वाला हूं, क्योंकि आज हम बात करेंगे एक ऐसे फिलोसफर की, एक ऐसे पोएट की जिनके दोहों चौपाइयों ने पूरी दुनिया को ही रेवोल्यूशनराइज कर दिया। जी हाँ, तभी तो आज हम 600 साल बाद भी इनकी बात कर रहे हैं, क्लासेस में इनकी टीचिंग्स को पढ़ाया जाता है, इनके दोहों को पढ़ाया जाता है। भैया सबको लपेटा था, जबरदस्त क्रिटिक थे ये। जो भी कुकृत्य जो होते हैं ना, जो भी बेकार काम या खराब काम धर्म के माध्यम से किए जाते हैं, चाहे वो हिंदू धर्म हो चाहे मुस्लिम धर्म हो, अच्छी टीचिंग्स को तो इन्होंने एडवोकेट किया था, लेकिन बाकी जितनी भी है उनको जबरदस्त तरीके से क्रिटिसाइज किया था। इसलिए काफी निशाने पे भी रहते थे ये, इनका काफी मजाक उड़ाया जाता था, इनको एक्सेप्ट भी नहीं। लेकिन धीमे 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 इन्होंने अपनी ऐसी पैठ जमाई कि सबका मुंह बंद करके अपने आप को बहुत आगे ले गए। जी हाँ, इन्होंने अपनी टीचिंग से एक तरह से क्रांति ला दी थी, सोच की क्रांति थी। हम आज बात करेंगे संत कबीरदास जी की। जी हाँ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, काफी कुछ है देखने को। सेड अंडरस्कोर ई कनेक्ट सिद्धांत अग्निहोत्री मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरा पेज, यहाँ पे आपको लेक्चर्स की पीडीएफ मिल जाएगी, साथ ही साथ आप मुझसे सवाल भी पूछ सकते हैं। दिवाली आ गई है, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। साथ ही साथ इस पावन अवसर पर हम 60% आपके लिए डिस्काउंट लाए हैं हर कोर्सेस पे। नंबर्स पे कॉल करिए या फिर वेबसाइट विजिट करिए, जो भी आप एग्जाम निकालना चाहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, भैया कबीरदास जी की बात कर रहे हैं तो शुरुआत चलिए उनके कुछ दोहों से ही हो जाए। इतने दोहों को तो मैं नहीं देखूंगा क्योंकि बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है और जो इनकी टीचिंग्स का सार है वो तो मैं जरूर आपके सामने लेके आया हूं। तो सबसे पहला जो दोहा है आप जरा देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। पोथी पढ़ी पढ़ी जग हुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। क्या बात है, इसका अर्थ ये होता है दोस्तों, जरा ध्यान से सुनिएगा। भले ही आप कितनी किताबें पढ़ लें, भले ही आप कितने बड़े पीएचडी हो जाएं, मजिस्ट्रेट हो जाएं, आईएएस पीसीएस हो जाएं, कितने बड़े नेता हो जाएं, कुछ भी कर लें, लेकिन अगर आपके अंदर काइंडनेस नहीं है, अगर आपके अंदर इंसानियत नहीं है, तो वो सारी टीचिंग्स बेकार है। जो ढाई अक्षर प्रेम का, जिसके अंदर इंसानियत, जो काइंड होता है ना, उसी को दुनिया पूछती है। याद रखिएगा, ऐसा कबीरदास जी नहीं कहा है कि जिनके जिसके अच्छे कर्म होंगे, जो बहुत ज्यादा प्रेम से सौहार्द से रहेगा, वो हमेशा सिंहासन पे जाएगा जब उसकी मृत्यु होगी, और जिसके मन में कटुता रहेगी और बड़ा बैर रहेगा, उल्टी सीधी हरकतें करेगा, भले ही वो कितना भी पढ़ा लिखा हो, वो बिल्कुल रोते रोते जाएगा। तो वो रंक है और जो प्रेम करता है वो राजा है, ये याद रखिएगा। हिंदुइज्म में और जितने और भी धर्म हैं, 84 लाख योनियों में मनुष्य जो है ना फंसा रहता है, उसको बार बार जन्म लेना पड़ता है, उसकी एनर्जी बेसिकली ट्रैप्ड रहती है, और जब आपके कर्म अच्छे होंगे वो ट्रैप जो है वो छूटेगा और फाइनली आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो ये बहुत ही जो दोहा है, ये किसके जो अर्थ है ना, काफी ज्यादा गंभीर है। कबीरदास जी के दोहों में आप पाएंगे कि जो अर्थ होते हैं वो बहुत गहरे होते हैं, बहुत ही ज्यादा, उनमें काफी डीप मीनिंग्स छुपी होती है। दूसरा जोहा, जिन खोजा तिन पाइया, गहरो पानी पैट, मैं बुपरा बूडंडरा, रहा किनारे बैठ। अरे अगर किनारे पे बैठे रहेंगे, नदी के किनारे, समंदर के किनारे, डुबकी नहीं लगाएंगे, तो क्या हम जान पाएंगे उसमें क्या है? अक्सर लोग रिस्क लेने से डरते हैं, अक्सर लोग मेहनत लेने से डरते हैं, अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं। जब तक आप उससे निकलेंगे नहीं, सक्सेस आपके पीछे नहीं आएगी, क्योंकि आपको नहीं पता कि जब दरवाजा खोलेंगे, जब आप उस समुंदर में जाएंगे, आपके लिए क्या खजाना रखा हो। और तीसरी और सबसे बड़ी सीख जो आज के जमाने में तो हर किसी को लेने चाहिए दोस्तों, जिस तरह से अनस्टेबिलिटी, चाहे पॉलिटिक्स हो, इकोनॉमिक्स हो, और हर क्षेत्र में बढ़ती जा रही है, उस हिसाब से तो इसको बिल्कुल अपनाना चाहिए। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हो शीतल होए। अरे ऐसी वर्ड्स, ऐसी लैंग्वेज का यूज करिए, ऐसे शब्दों का प्रयोग करिए जिससे हर कोई खुश रहे। बहुत लोग बोलते हैं, मैंने देखा, इतने ज्यादा मुंहफट होते हैं। देखिए दोस्तों, कभी भी किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए, सबसे जो खराब काम होता है हर्ट करने का। तो आराम से मन को बिल्कुल शांत रखे, कार्मली सबसे बिहेव करिए, हर कोई आपसे खुश रहेगा। अरे दुआएं मिलेगी, और जब दुआएं मिलेंगी तो नेचर अपने आप आपको ऊपर उठा देगा, ये यूनिवर्स अपने आप आपको ऊपर उठा देगा।
ये तीन दोहे जो है ये मैं आपके सामने लेके आया। वैसे तो बहुत ज्यादा है, लेकिन इन जितने भी संत कबीर या कबीरदास जी के जो दोहे हैं उनमें आप एक चीज पाएंगे, वन गॉड वन टीचिंग। जी हाँ, अद्वैत वेदांत को पूरी तरह से ये फॉलो करती है, और मतलब जो इनकी टीचिंग्स हैं, और हमेशा ये एक ही गॉड हर किसी में वही एनर्जी है जो हम में है, सब में वही, यानी कि हर कोई इक्वल है। शंकराचार्य पे मैंने मैंने उनकी बायोग्राफी का रिव्यू किया है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। बहुत बच्चे बोल रहे हैं कि हिंदुइज्म का लेक्चर कब आएगा, नवंबर में ही आ जाएगा, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो अगर कबीरदास जी की बात करें तो इनका जो जन्म था, वैसे तो इनके जन्म पे बहुत ज्यादा विवाद है कि इनका जन्म कब हुआ, तो कुछ लोग बोलते हैं ये 120 साल जिए थे, कुछ लोग बोलते हैं 70 साल जिए थे, कुछ लोग बोलते हैं 50 साल जिए थे, वगैरह वगैरह। लेकिन ये तो पक्की बात है कि इनका जो जन्म है वो 15वीं शताब्दी में हुआ था, 15th century में हुआ था, और 600 साल बाद भी हम उनकी बात कर रहे हैं। अब आपको पता ही है दोस्तों, भक्ति मूवमेंट, इस पे मैं सेपरेट लेक्चर लेके आऊंगा, भक्ति मूवमेंट उस समय चालू था, 8th century से 16th century तक हर किसी को इसने रेवोल्यूशनराइज कर दिया था, तो इसके भी एक तरह से हिस्सा थे। इनकी टीचिंग्स ने इस मूवमेंट को एक और बहुत ही जबरदस्त तरीके से पुश दिया। जी हाँ, और कबीरदास जी के दोहों को काफी स्क्रिप्चर, काफी रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में भी लिया जाता है। सिखों का पावन ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब, उसमें भी, उनमें भी कबीरदास जी के दोहों का सीधा सीधा वर्णन है। तो ये चीज है, पता नहीं था ये मुस्लिम है कि हिंदू है। इस पे भी देखिए, कबीरदास जी के जीवन पे बहुत ही डाइवर्स व्यूज है, और इन्होंने भी अपने दोहों में या अपनी जीवनी में, मतलब जो भी जितने लोगों ने भी सर्च किया, वो ज्यादा बात नहीं की है कि मेरा बर्थ कहाँ हुआ या किस तरह से मैं रहता था। उन्होंने सिर्फ अपनी टीचिंग्स फैलाई है। भाई जाहिर सी बात है, बहुत विद्वान थे, जो विद्वान होते हैं इन सब चीजों को इतना महत्व नहीं देते हैं, और हमेशा से, पहले से ही इनके ऊपर झगड़ा भी होता रहा, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, लेकिन अल्टीमेट भैया वो इंसान है, वो उन्होंने यही बोला था, ठीक है। तो ये चीज है। अब क्रिटिक थे ये, उन कुकृत्यों के क्रिटिक थे जो सही नहीं है, बेसिकली मूर्ति पूजन या फिर एक तरह से बहुत जगह जाना, ठीक है। तो इन सब के भी ये काफी क्रिटिक थे, बोलते थे कि भैया भगवान हम में, और हिंदुइज्म इस्लाम दोनों को ही, दोनों धर्मों को ही इन्होंने अच्छे से टारगेट किया, इसीलिए काफी निशाने पे भी रहते थे, ठीक है। तो ये चीज है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कबीरदास जी की बात करें तो जो मोस्ट एक्सपेक्टेड डेट है वो 1440 ही मानी जाती है। 1440 में इनका जन्म हुआ था, और अभी भैया 23 जून को बेसिकली इनकी जयंती भी सेलिब्रेट की जाती है, ठीक है। कबीरदास जयंती, भारत सरकार ने तो इन पे स्टैंप भी जारी किए हुए हैं। वाराणसी में इनका जन्म हुआ था, जैसा कि मैंने बताया कि जन्म के रिकॉर्ड इतने मिलते नहीं हैं, लेकिन फिर भी ये मोस्ट एक्सेप्टेड है कि इनका जो जन्म था वो मुस्लिम फैमिली में ही हुआ था। नीरू नीमा इनके माता पिता थे, और ये लोग वेवर्स थे, मुस्लिम वेवर्स थे। जब मैंने इस लेक्चर की शुरुआत की थी तो मैंने आपको कब एक चित्र दिखाया था कबीरदास जी का, तो उसमें आपने देखा था बुनाई कर रहे थे, और बगल में एक शिष्य बैठा हुआ था, ठीक है। तो बेसिकली ये मुस्लिम वेवर्स की फैमिली में थे, लेकिन इनका जो एम था, इनका जो जीवन था, वो किसी और ही दिशा में गया, वो इंटेलेक्चुअल हो गए बाद में, ठीक है। तो ये है। तो अब क्या है कि जैसा कि मैंने बताया, फैमिली के बारे में तो इतना कुछ खास मिलता नहीं है, लेकिन इनका जो जीवन बदलता है वो जब इनको गुरु मिलते हैं, स्वामी रामानंद, तब इनका जीवन बदलता है दोस्तों। भक्ति मूवमेंट चालू था। अच्छा, एक चीज और बता दूं, ऐसा ये भी बोला जाता है कि, मतलब काफी ये भी बिलीव किया जाता है कि मुस्लिम फैमिली ने इनको पाला था, ठीक है। बेसिकली हिंदू थे क्या थे पता नहीं, लेकिन मुस्लिम इनको पाया गया था, ठीक है। ये लोटस में, कमल के फूल में इनको पाया गया था, और मुस्लिम फैमिली ने, मुस्लिम वीवर फैमिली ने इनको पाया था, ये भी एक तथ्य दिया जाता है। तो स्वामी रामानंद जो थे, वाराणसी में ही इनका जन्म हुआ था, स्वामी रामानंद बहुत बड़े विद्वान थे, लेकिन आपको पता ही उस समय जो कास्टिज्म था अपने चरम पे था, ब्राह्मणों से ये बात ही नहीं करते थे, खुद भी एक ब्राह्मण थे। दोस्तों हिंदू सेक्ट जो है वो चार में डिवाइडेड होता है, चार पंथ में डिवाइडेड है, ठीक है। सबसे पहला क्या होता है, वैष्णविज्म, जो भगवान विष्णु को फॉलो करता है, शैविज्म, जो भगवान शिव को फॉलो करता है, शक्तिज्म, जो देवी की शक्तियों को फॉलो करता है। ये जो पूरा यूनिवर्स है बेसिकली ये माता है, ठीक है। और चौथा समर्थिज्म, जो वेदों की शक्तियों को फॉलो, मतलब वेदों की टीचिंग्स को फॉलो करता है। तो चार में डिवाइडेड है। वैष्णव पंथ को मानने वाले स्वामी रामानंद थे, उस समय भक्ति मूवमेंट बहुत ज्यादा चरम पे था, ब्राह्मणों से ज्यादा बात ही नहीं करते थे, कोई नॉन ब्राह्मण आता था तो उसको पर्दा लगा के बात करते थे, कास्टिज्म बहुत ज्यादा फैला हुआ था। तो कबीरदास जी का तो कोई चांस ही नहीं था कि ये इनसे दीक्षा ले या इनसे पढ़े, लेकिन फिर भी कबीरदास जी बड़े चतुर थे, ठीक है।
पहले तो स्वामी रामानंद के पास गए, उन्होंने सीधा बोल दिया कि मैं तो तुमको नहीं पढ़ाऊंगा बिल्कुल भी। लेकिन जैसा कि मैंने बोला कि बड़े चालाक थे, एक बार सूर्य उदय के समय रामानंद हमेशा क्या करते थे, नहाने जा मतलब स्नान करने जाते थे। तो जब वो स्नान करने जा रहे थे, कबीरदास जी सीढ़ियों पे ही चादर ओढ़ के लेट गए, रजाई ओढ़ के लेट गए। और जैसे ही गलती से स्वामी रामानंद का कबीरदास जी पे पांव पड़ा, तुरंत ही राम 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 निकला। और फिर उसके बाद जब ये चीज हुई, छू लिया, तो फिर उनको एक्सेप्ट करना ही पड़ा। और कबीरदास जी को रामानंद ने फिर एक्सेप्ट किया, उनको दीक्षा दी और अपना पूरा श्रेय, अपना गुरु वो रामानंद को मानते हैं। ठीक है, गुरु मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। गुरु के बिना आपको मतलब एक प्रॉपर गाइडेंस जो है वो नहीं मिल सकती। और जैसा कि मैंने बताया कि कबीरदास जी वाराणसी में ही रहते थे, ठीक है, वहीं पर उनका जन्म हुआ था। दोस्तों आपको मैंने ये भी बताया कि कबीरदास जी बिल्कुल भी वो नहीं चाहते थे कि उनकी मूर्ति बने, लेकिन अभी उनकी मूर्ति है। वो नहीं चाहते थे कि उनकी बहुत बड़ी टीचिंग्स कोई एक सेक्ट बन जाए जिसको कबीर पंथ बोला जाता है। कबीर पंथ इनके एक शिष्य नहीं बनाया था, इनकी टीचिंग्स को फॉलो करने वाले लाखों लाखों डिसाइपल्स आज भी ये है और आज भी लोग इनको फॉलो करते हैं। वो नहीं चाहते थे ऐसा कुछ हो, लेकिन आज सब कुछ हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज है। खैर, वो एक अपनी अपनी श्रद्धा है, लोग एक एज अ ट्रिब्यूट देते हैं। अब यहां पे दो चीजें हैं दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा। स्वर्ग और नर्क का कंसेप्ट जो है ये सब में है। स्वर्ग मतलब हेवन, अच्छे काम करो, ऐसा पहले नहीं बोला जाता था, पहले जन्म से सिद्ध होता था। वाराणसी सबसे पुराना शहर, ऐसा बोला जाता है कि अगर आपकी काशी में मृत्यु हो रही है, मतलब आपके जो आखिरी मूमेंट्स है वो काशी में है, वाराणसी में है, तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होती होगी। और एक और शहर था मगहर, ऐसा बोला जाता था कि अगर आपकी मगहर में मौत हो रही है तो बेटा नर्क मिलेगा। मगहर संत कबीर डिस्ट्रिक्ट में ही लोकेटेड है, संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट में ही लोकेटेड है, लखनऊ से 240 किलोमीटर दूर है, उत्तर प्रदेश का ही एक शहर है, ठीक है, मतलब एक जिला है, ठीक है। तो वहां पे अगर मृत्यु हो रही है वहां पे पक्का नर्क मिलेगा। कबीरदास जी ने यह सुनिश्चित किया कि मेरी मृत्यु वही हो। कबीरदास जी का मानना था कि हमेशा जो स्वर्ग नर्क या जो भी जन्म है अगला, वो आपके कर्मों से डिसाइड होता है। अद्वैत फिलॉसफी, जैसा कि मैंने शुरू में ही बता दिया था, बिल्कुल यहां पे सीधा सीधा एक रिफ्लेक्शन मिलता है। आपके कर्म डिसाइड करेंगे कि आप स्वर्ग पाएंगे या नर्क पाएंगे, जन्म से सिद्ध नहीं होगा कि आपको क्या मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, हर जगह हम देखते हैं। सही बात है भाई, आप अब जन्म से क्या फायदा, जन्म से थोड़ी ना, आप किस तरह का काम कर रहे हैं, कितने लोगों की मदद कर रहे हैं। दोस्तों ये सब कुछ रिलेटेड है, इसलिए मैं बता रहा हूं, क्योंकि नेचर की इंटेलिजेंस को आप कभी भी क्वेश्चन नहीं कर सकते, हर एक चीज का उसने मैकेनिज्म बनाया है। ठीक है, हिंदुइज्म पे लेकर आएगा तो उस पर मैं थोड़ी और बात करूंगा। इनकी जो सबसे बड़ी राइटिंग है कबीरदास जी की, बीजक, कबीर ग्रंथावली, अनुराग सागर, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है बीजक, जी हाँ, ये 11 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि बीजक के पार्ट्स कौन कौन से। सबसे पहले है रमैनी। रमैनी की अगर बात करें तो इसमें टोटल 84 पद हैं, 84 पार्ट है। अच्छा, रमैनी एक तरह का इंट्रोडक्शन है, प्रस्तावना, जैसे इंट्रोडक्शन होता है ना, बहुत ही कमाल कमाल की इसमें चीजें लिखी हुई है। 84 लाख योनियों का वर्णन है पहला रमैनी, आप लिख लीजिएगा। ठीक है, जो मैं ये बोल रहा हूं ये एक्चुअली बीजक की मैंने स्लाइड नहीं बनाई है, तो ये मैं ये लिख लीजिएगा और ऑर्डर में ही लिखिएगा। ठीक है, तो रमैनी बेसिकली एक तरह से इंट्रोडक्शन है। और 84 लाख योनियों, मनुष्य इसी में ही फंसा रहता है, जन्म होता है, कर्म के हिसाब से आपका जन्म होता है, ठीक है, तो इसी में ही फंसा रहता है। इससे कैसे निकले, कैसे मुक्ति पाए, ये रमैनी में लिखा गया है। दूसरा है शब्द। शब्द शब्द की अगर बात करें दोस्तों, तो इसमें 115 पद हैं। ठीक है, 115 पद हैं। इसमें खानी और वाणी का जाल बताया गया है कि इंसान जो है अपनी वाणी और खान पान, इन दोनों पे अगर कोई भी इंसान कंट्रोल कर ले, कमाल हो जाएगा। तीसरा है ज्ञान चौतीसी। ज्ञान चौतीसी, इसमें बेसिकली 34 चौपाइयां हैं। चौथा है विक्रम तीसी। ठीक है, उसके बाद फिर पांचवा कहरा, फिर चाचर, उसके बाद फिर चौथा जो है विक्रम तीसी, थोड़ा सा मैं भी ऑर्डर भूल गया हूं, पांचवा जो है बसंत है, छठा जो है कहरा है, सातवां चाचर, आठवां बेली, नवा बिरूली, दसवां हिंडोला और फिर सखी।
तो ये 11 पार्ट्स में जो है इसी ऑर्डर में ही लिखेगा दोस्तों, बीजक डिवाइडेड है और इनकी टीचिंग्स को फिर आगे ले जाती है। अब दोस्तों इनके दोहे में, ये तो वैसे तो दोहे और चौपाइयां जो है, दोहे मतलब दो लाइन, चौपाइयां चार लाइन, ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा है। इसका सार बताना चाहूंगा, ये सारे चौपाई जो हैं, दोहे जो हैं, इनकी टीचिंग्स वो बात किसकी करती हैं, वन गॉड। देखिए दोस्तों, सत चित आनंद, आप भगवान को कैसे पा सकते हैं, पहले तो इस यूनिवर्स को समझ लो सत, ठीक है, उसके बाद अगर आप यूनिवर्स को नहीं समझ पाते हो तो चित अपने अंदर इंट्रोस्पेक्शन करो। कबीरदास जी ने यही बोला कि खुद के अंदर झांक के देखो, इंट्रोस्पेक्शन करो और उसके बाद आनंद मूर्ति बना के आप ध्यान लगा सकते हैं। बेसिकली आपको ध्यान लगाना है और इस यूनिवर्स के मैकेनिज्म को समझना है, ये तीन मिलेंगे तो बनता है त्रिशूल, ठीक है। इनकी टीचिंग्स ये बोलती थी कि जो एनर्जी सब में है, एक ही एनर्जी है, देयर इज ओनली वन गॉड, हर कोई उसी भगवान से, उसी गॉड से, उसी गॉड की एनर्जी से वो बना है। गॉड इज ऑल परवेडिंग और वो हर जगह है। आपको क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको एक अच्छा दिल रखना है। जब किसी भी इंसान का जन्म होता है तो बच्चा होता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी जिंदगी आगे बढ़ती है तो अपने आसपास के लोगों से सीखता है। अब ये बहुत बड़ा फर्क होता है कि आसपास, इसीलिए तो कहते हैं ना, माहौल का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, लेकिन हमेशा से उसको अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, अपना दिल हमेशा अच्छा रखना चाहिए, पावन रखना चाहिए, दूसरों की जितनी ज्यादा हो सके मदद करनी चाहिए, एक जस्टिस वाला एटीट्यूड होना चाहिए, राइटियस वाला एटीट्यूड होना चाहिए। भगवान आप में ही है, कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है, कोई भी मंदिर, कोई भी मस्जिद, दूर दूर जाने की जरूरत नहीं है, भगवान खुद में ही बसा हुआ है। ये कबीर दास जी ने बोला था, सीधा सीधा अपनी आंखें खोलने की जरूरत है, अपने आप को पहचानने की जरूरत है, ह्यूमैनिटी, मोरालिटी, स्पिरिचुअलिटी। अक्सर हम लोग ये सारी चीजें भूल जाते हैं, आजकल लोग तो इतने ज्यादा बिजी हैं कि इन पे कोई बात भी नहीं करता है। भैया एग्जाम्स आ रहे हैं, यूपीएससी, एसएससी, बैंक, अरे इन सबको छोड़ के बहुत बड़ी दुनिया है। ये मुश्किल से आपका 8-9% लाइफ का लेते हैं, 91% आपको इन सारी चीजों से बोलना पड़ता है। बोले ना, पोथी पोथी पढ़ पढ़ जग भया, इसका मतलब क्या है कि इन सारी बुक्स से हट के आप अपनी फिलॉसफी बनाइए और तब देखिए इस दुनिया को अपनी फिलॉसफी से, अपने ज्ञान से, अपने इंटेलेक्चुअल से कि क्या हो रहा है, और उसके बाद फिर आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, बंधन मुक्त होइए बेसिकली, ठीक है। तो ये चीज है। फिर उन्होंने क्या बोला कि वो हमेशा अहिंसा के पाथ पे चलो, हिंसा बिल्कुल भी नहीं करनी, अपने आप को प्योर रखो, बिल्कुल प्योरिटी ऑफ माइंड होनी चाहिए, एक क्लियरिटी ऑफ माइंड होनी चाहिए, और ये सब धर्मों के लिए है। और बाद में हर धर्म ने बेसिकली इनकी टीचिंग्स को स्वीकारा। जी हाँ, कबीर दास की टीचिंग जो है ना वो यूनिवर्सल है और हर किसी के लिए, चाहे कोई भी हो, इक्वल है। जी हाँ, इनकी मजार भी है और समाधि भी है। अब जैसा कि मैंने बोला कि इन पे काफी झगड़ा होता रहता था, तो इनकी डेथ के बाद भी मुस्लिम और हिंदू काफी लड़े कि ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, इनको हम अपने हिसाब से करेंगे, इनको हम अपने हिसाब से करेंगे, मतलब क्रेमेशन जो है इनका, अंतिम संस्कार जो है इनका। तो जब जो श्राउड होता है, जो कफन होता है, जिस कपड़े से पूरी बॉडी को लपेटा जाता है अंतिम समय में, वो जब हटाया तो फूल थे उसमें। जी हाँ, ऐसा बोला जाता है, चमत्कार हुआ था, उसमें फूल थे, और फिर फूल, उन फूलों को हिंदू और मुस्लिम ने अपने अपने में बांट लिया और अपने अपने हिसाब से उनका अंतिम संस्कार किया। और ऐसा बोला जाता है तब उनकी आत्मा आई और उन्होंने ये बोला, जरा देखिएगा, ना ही मैं हिंदू हूं, ना ही मैं मुस्लिम हूं, कितनी डीप बात है ये, मैं दोनों हूं, मैं दोनों ही नहीं हूं, मैं सब हूं, मैं भगवान का एक रूप हूं, कोई हिंदू कोई मुस्लिम नहीं है, इन सारी चीजों से फ्री हो जाओ, इस कफन को हटाओ और इस चमत्कार को स्वीकार करो। मतलब एनर्जी, गॉड, ये जो भी चीज है हमारे अंदर, हमको उसकी पूजा करनी चाहिए। खुद में ही झांक के देखो, इन सारे धर्म और जितने भी लोग आजकल जो नफरत में लिप्त हैं, इन सबको हटा के एक भगवान, एक एनर्जी, एक यूनिवर्स की पूजा करो। देखिए, मूर्ति पूजन या इस्लाम में भी जो पूजा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है, वो भी एक तरह से नेचर का ही प्रारूप है। और हमारे हिंदुइज्म में भी बोला गया है कि आप मूर्ति को रख के ध्यान कर सकते हैं, इससे भी आपको मोक्ष मिलता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है, ह्यूमैनिटी किसी को नहीं भूलनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली यही आपके काम आने वाला है। तो आई होप ये कबीर दास जी पे लेक्चर था, आपको पसंद आया होगा। इनकी टीचिंग्स, इनकी फिलॉसफी मैंने पूरे अच्छे से कवर की हैं,
और भी लेक्चर आते रहेंगे वर्ल्ड के फिलोसफर्स, इंडिया के फिलोसफर्स पे मैं लेक्चर लाता रहूंगा। देखिए भैया 600 साल बाद भी हम उनकी बात कर रहे हैं, क्या उनका प्रभुत्व रहा होगा, ठीक है। और बहुत ही सिंपल लाइफ थी उनकी। जी हाँ, दोहे जो हैं जरूर सुनिएगा, मतलब जरूर उनको पढ़िएगा, काफी आपको भी, मैं भी अभी तक पढ़ता रहता हूँ, काफी आपको भी एक तरह से अच्छी सोच मिलेगी, ठीक है। वैसे आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब अच्छी सोच वाले हैं इस समय तो 60% डिस्काउंट क्विक रिमाइंडर अवेलेबल है, जरूर कोर्सेज को अवेल कीजिए, अपनी ड्रीम जॉब निकालिए। तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ, एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।